ये भी जानकारी मिल रही है बांशु की, सेल्फी पॉइंट्स भी अलग अलग लगाए गए हैं, क्या उसके प्रति आकर्षित यहाँ युवा हो रहे हैं जो पहली बार मतदान करने के लिए आ रहे हैं? मेरे साथ मैम कुछ और युवा भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा अभी, और साथ ही साथ हमारे साथ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आइए मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप इस बार वोट करने आए हैं, क्या कुछ जिस हिसाब से कैंडिडेट सजाया गया, क्या कुछ जागरूकता भी दिख रही है इस बार? नहीं, जागरूकता लोग बड़े मन से जो है, बहुत बड़े मन से लोग वोट डाल रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से वोटिंग चल रही है। वोटिंग अच्छी तरीके से चल रही है। इनसे ये पूछिए कि क्या लग रहा है, इन 5 सालों से वो खुश है या परिवर्तन जरूरी है इस बार? क्या क्या कुछ लगे, जो 5 साल मौजूदा सरकार है जिसके कार्यों से क्या आप खुश हैं, क्या इस बार आप या आपको इस बार परिवर्तन की लहर दिख रही है, परिवर्तन चाहिए आपको? नहीं, इस समय जो कार्य चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा है और इस वक्त फिर वही सरकार आनी चाहिए। तो मैम साफ तौर पर बताया कि ये मौजूदा सरकार जो है, जो वर्तमान में कार्य कर रही है, उससे खुश है और ये दोबारा चाहते हैं कि कोई परिवर्तन ना हो बल्कि दोबारा पूर्व मोहम्मद से यही सरकार बने। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। एक बार फिर से मैं बता दूं कि 9 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और इसके बाद अलग अलग जिलों से भी मेरे सहयोगी मेरे साथ बनेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। अगर साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो इन 59 में से 51 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा सपा को 4, बसपा को 3 और भाजपा के सहयोगी अपना दल सोनेलाल को 1 सीट मिली थी। और चौथे चरण का चुनाव प्रचार काफी हाई वोल्टेज वाला रहा है, जुबानी जंग बहुत ज्यादा हमने देखी है इस चुनाव प्रचार में।